हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ झटपट से तैयार हो जाने वाला फ्रूट कस्टर्ड रेसिपी। और ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसे बनाना तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप पहली बार कुकिंग कर रहे हैं तो भी आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 ग्लास दूध, ये लगभग 1.5 लीटर होगा। तो यहाँ पे मैं 1 से 2 लोगों के लिए ये बना रही हूँ, तो जितना आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब तक इसमें उबाल आएगा तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आधी कटोरी रूम टेम्परेचर पर दूध ले लिया है और 1 चम्मच हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है। तो ये वेनीला फ्लेवर वाला कस्टर्ड है, इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है, बिल्कुल गुठली ना रहे। और ये देखिए बिल्कुल गुठली नहीं है, अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। और इसी के साथ हमारा जो दूध है इसमें भी उबाल आ गया है। तो इस तरह से इसे चलाते हुए हमें 2 मिनट तक दूध को अच्छी तरह से पका लेना है। 2 मिनट के बाद हमारा दूध अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कस्टर्ड। तो जो हमने कस्टर्ड मिल्क बनाया था उसको हम थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते हुए इस तरह से चलाते हुए ऐड करना है, बस ऐड नहीं करना है वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे और वो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें ऐड करना है। तो ये देखिए इस तरह से चलाते हुए, तो अब मैंने पूरा कस्टर्ड इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से चलाते हुए पका लेंगे, जिससे जो कस्टर्ड पाउडर का स्मेल है, उसका कच्चापन है, वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा सा उबाल आ गया है। अब हमें इसे इस तरह से मिक्स करते हुए चला लेना है। इसे चलाने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है शक्कर। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है ऑफ, ये अभी गर्म है तो शक्कर अच्छी तरह से घुल जाएगा, बस इस तरह से चला दीजिए। तो इसे अब हम चेक कर लेते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो ये देखिए कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और सबसे बेस्ट तरीका है इसे चेक करने का, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दीजिए और देख लीजिए कि किसी तरफ इसका जो ड्रॉप है वो गिर तो नहीं रहा है। तो ये बिल्कुल नहीं गिर रहा है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो इसे मैंने अब एक बाउल में निकाल के रख दिया है रूम टेम्परेचर पर, आने तक हम इसका वेट कर लेंगे। तब तक हम फ्रूट्स कट कर लेते। तो फ्रूट्स मैंने बनाना, एप्पल, पाइनएप्पल और थोड़े से अनार ले लिए हैं। तो आपके पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल होगा वो फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए रूम टेम्परेचर पर आ गया है। तो चाहिए तो आप इसे ऐसे ही फ्रिज में रख दीजिए। मैं यहाँ पे थोड़े से फ्रूट्स ऐड करके फ्रिज में रखने वाली हूँ। तो इसे मैं अब 10 से 15 मिनट फ्रिज में चिल होने के लिए रख दूँगी, जिससे कि बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही यमी लगता है। तो 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। अब मैं बाकी के फ्रूट्स इसमें ऐड कर दे रही हूँ। तो गर्मियों में इसे बनाएं, ये बनाने में तो सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट का वक्त लेता है। और ठंडा ठंडा इसे खाए ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो सारे फ्रूट्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखा आप लोगों ने ये कितनी आसानी से बनके तैयार हो गया है। इसे बनाने के लिए ना कोई मेहनत लगी और ना ही किसी ट्रिक की ज़रूरत लगी। अब इसे मैंने एक बाउल में निकाल दिया है। अगर आपको थोड़ा सा ऊपर से फ्रूट से और डेकोरेट करना है तो आप और फ्रूट से डेकोरेट कर दीजिए और ठंडा ठंडा इसे सर्व करिए। इसे खाना सभी लोग पसंद करते हैं, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरे बताए हुए तरीके से एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और ये कैसा बना था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, कमेंट करके ज़रूर बताएं।